हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ नीलम और नीलम की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने रसोई में ये न्यू मॉडल की गुजिया लेके आई हूँ। पुरानी वाली गुजिया तो आपने बहुत बनाई होगी, एक बार ये न्यू मॉडल वाली गुजिया बनाए। खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है और देखने में भी कितना प्यारा लगता है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम इसके बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। सबसे पहले हम गुजिया का स्टफिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने होममेड खोआ लिया है, आप इसकी जगह पे रेडीमेड खोआ भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून चीनी। आप इसमें अगर चाहें तो सूजी भून के भी डाल सकते हैं, पर यहाँ पे हमने कोई सूजी का इस्तेमाल नहीं किया है, हम एकदम खोए से ही इसको बनाने वाले हैं। 2 से 3 हम इसमें इलायची कूट के डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इलायची डालने से आप जानते हैं यह फ्लेवर कितना बढ़िया आता है और खाने में कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे चला के मिक्स कर लेना है। जैसा कि हमने इसमें बताया, आप रवा भी डाल सकते हैं, सूजी भी भून के डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। आपको जैसे बनाना हो आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको चला के मिक्स कर लिया है। अब चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हमने एक बाउल लिया है, उसमें डालेंगे 2 प्लेट मैदा। आप इसकी जगह पे कोई भी कटोरी से मेजरमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 प्लेट मैदा डाल दिया है। यहाँ पे हमने छोटा प्लेट लिया है। थोड़ा सा इसमें डालेंगे नमक। नमक तो आप जानते ही हैं कि ये बैलेंस कितने अच्छे से करता है। और इसमें मोम के लिए डालेंगे करीबन 4 से 5 टेबल स्पून तेल और अच्छे से इसको मोम करेंगे। मोम तो कैसे करना है वो तो आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो बहुत सारी वीडियो हमने डाली हुई है, उसको जाके आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। यहाँ पे भी हमने मोम करना इसको बताया है। ऐसे इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसको बांध के देखना है कि बांधने पे ये बन रहा है कि नहीं। तो ये बिल्कुल हमने मसल के तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं बांधने पे बिल्कुल लड्डू की तरह से ये बन जा रहा है। बस यही मोम करना होता है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम डो को गूंथ के तैयार कर लेंगे। डो को ना ही ज्यादा टाइट गूथना है और ना ही ज्यादा नरम, और ध्यान से इसको गूथे। थोड़ा थोड़ा पानी ही डाल के गूथना है। अगर आप ज्यादा पानी डाल देंगे तो डो गीला हो जाएगा और ये गुजिया अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने मीडियम में डो गूथ के तैयार कर लिया है। ना ही ज्यादा टाइट है और ना ही ज्यादा नरम। बिल्कुल इसी प्रोसेस से डो गूथ के आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद डो में से कर लेने हैं 2 भाग। 2 भाग हमने इसलिए करने को बताया है। एक में हम डालेंगे फूड कलर। अगर यहाँ पे चाहें तो आप चुकंदर वगैरह का कलर भी पीस के डाल सकते हैं, पर यहाँ पे हमने फूड कलर लिया है। इसमें 1 से 2 बूंद डालेंगे। आपको जितना लगे उतना फूड कलर आप डाल सकते हैं, जैसे आपको बनाना हो। यहाँ पे हमने 2 बूंद डाला फूड कलर। अब इस डो को अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुका है, कलर देखने में ही कितना प्यारा लग रहा है। अब दोनों डो में से थोड़ा थोड़ा लेंगे 1 पेड़े जितना बराबर, और दोनों का पेड़ा बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमने व्हाइट का पेड़ा 1 बना लिया है। अब इसी सेम प्रोसेस से हम पिंक कलर वाले का भी पेड़ा बना के तैयार कर लेंगे। बहुत इजी है इसको बनाना और बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। इस तरीके से हमने दोनों पेड़ों को बना के तैयार कर लिया है। अब 1 पेड़े को इसमें से बेल लेंगे। यहाँ पे अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें मैदा डाल के भी बेल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चिपकता है। तो यहाँ पे हमने 1 बेल के तैयार कर लिया है। सेम प्रोसेस से दूसरा भी बेल के तैयार कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद व्हाइट वाला लेंगे, जिस पे आपको डिजाइन बनानी हो वो कलर आप ले सकते हैं। ऐसा ढक्कन ले लेंगे, पेन का भी ढक्कन मिल जाता है इजीली तरीके से, और कोई भी चीज इतना छोटा वाला सर्कल में आप ले सकते हैं। और ऐसे इसमें होल कर देंगे और जो ये बीच का है उसको ऐसे निकाल लेंगे। इस तरीके से पूरे में होल करके ऐसे बीच वाला निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमने सारे में होल कर दिया है। उसके बाद पिंक कलर वाला इसके ऊपर ऐसे रख देना है। रखने के बाद कोई आप एक ऐसी कटोरी ले सकते हैं जिससे ये आसानी से कट जाए, जो आपके पास है छोटा बड़ा वो आप ले सकते हैं। दोनों से ही बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे हमने बना के इसको तैयार कर लिया है पूरी की तरह से। उसके बाद इसमें स्टफिंग फिल करेंगे। इस तरीके से स्टफिंग को फिल करना है। कम या ज्यादा स्टफिंग आप अपने अकॉर्डिंग इसमें भर सकते हैं। उसके बाद ऐसे इसको बीच से उठा के फोल्ड कर देना है और ऐसे दबा के प्रेस कर देना है। अगर आप चाहें तो बीच में पानी भी लगा सकते हैं,
पानी लगाने की वैसे तो इसमें जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको डर लगे कि इसमें से स्टफिंग बाहर ना निकले तो आप पानी लगा सकते हैं। उसके बाद ऐसे फॉग वाला स्पून लेना है और चारों साइड से ऐसे इसको दबा के प्रेस कर लेना है। दबाने के बाद ऐसे आप कोई भी स्पून से ऐसे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा डिजाइन बन के तैयार हो गया, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगा। इस होली पे, त्योहारों पे, कोई भी त्योहार हो, आप उस पे इसको आसान तरीके से बना सकते हैं। देखने में ही कितना प्यारा लग रहा है। सेम प्रोसेस से मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। बनता भी बहुत जल्दी है, अगर दो लोग साथ में हैं तो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। यहाँ पे हमने छोटा कोई ढक्कन लिया है, तो इससे भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा बन के तैयार हो चुका है। सेम प्रोसेस से ऐसे इसको भी बना लेना है। तो यहाँ पे सारा हमने गुजिया बना के तैयार कर ली है। आप देख सकते हैं देखने में ही कितना प्यारा लग रहा है। उसके बाद आप चलते हैं इसको फ्राई करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे तेल को ज्यादा हीट गरम नहीं करना है, नॉर्मल टेम्परेचर पे गरम करना है। उसके बाद सारी गुजियों को एक एक करके इसमें डाल देना है फ्राई होने के लिए। बिल्कुल आपको इसको मीडियम आंच पे सेकना है ताकि ये अच्छी सी क्रिस्पी और कुरकुरी बन के तैयार हो। सारी गुजिया तेल में डालने के बाद एक मिनट तक इसको टच नहीं करना है। एक मिनट के बाद अलट पलट के इसको सेक लेना है। तो यहाँ पे हमने अलट पलट के इसको सेक लिया है, कलर भी हल्का सा इसका चेंज हो चुका है। अब हम प्लेट में इसको निकाल लेंगे इस स्टेज पे, ताकि गुजिया कच्ची भी ना रहे और एकदम क्रिस्पी फ्राई हो। तो आप देख सकते हैं देखने में ही कितना प्यारा लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। आप तो पुराने जमाने वाली गुजिया बहुत बनाए होंगे, लेकिन एक बार ये नए जमाने वाली गुजिया बना के देखेंगे। जो भी आपके घर पे मेहमान आएंगे वो आपकी तारीफ ही करेंगे कि ये आपने कैसे बनाया, देखने में ही कितना प्यारा लग रहा है। ये गुजिया की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, कितना प्यारा लग रहा है। आप इसको बना के करीबन 7 से 8 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी किसी मजेदार रेसिपी के साथ किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।